जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं C-17 ग्लोब मास्टर भारतीय रेस्क्यू मिशन के लिए कैसे संजीवनी बना। डेट थी 6 जनवरी 2023। सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। उसी समय एक सोशल मीडिया पर एक खबर फैलती है कि तुर्की में भयावह भूकंप आया है, जिसे सुनने के बाद सभी लोगों का दिल दहल उठा। भारतीय सरकार ने भी इस समाचार पर खेद प्रकट किया और उसने कहा कि हम तुर्की की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी किसी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं। तभी हिंडन एयरबेस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि हमारे पास सबसे बड़ा मालवाहक और रेस्क्यू करने वाला विमान है, जिसका नाम है C-17 हमारे पास एक ऐसा विमान है जिससे हम तुर्की की मदद कर सकते हैं और उसे हम राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो सारी तैयारियां होने लगी और उसकी तैयारी की जाने लगी कि किस प्रकार से हम उसकी मदद करेंगे। जहाजों को आदेश दिया गया कि आप तैयार हो जाइए और तभी उस यहाँ पर फैसला लेना था कि सबसे पहले जाएगा कौन। यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि सबसे पहले NDRF की टीम जाएगी और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। मेडिकल की टीम वहाँ पर जाएगी, वहाँ उनको रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें मदद पहुँचाने के लिए। फिर इसके अगले ही दिन C-17 में कई टन मशीनरी, 46 कर्मचारी, 3 वरिष्ठ अधिकारी और 1 डॉग स्क्वाड को अगले ही दिन तुर्की में लैंड करवा दिया गया। कहां पर? तुर्की में। कब? अगले ही दिन वहां पर लैंड करवा दिया गया। यह जो मिशन था वो बहुत ही तेज चलाया गया था क्योंकि रेस्क्यू करना था, वहां पर हमें मदद करनी थी क्योंकि भूकंप आया था, जिससे बहुत ही भयावह भूकंप से हुए हताहत को रेस्क्यू करने के लिए एक मिशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन दोस्त। एक मिशन चलाया गया था जिसके तहत तुर्की से हम रेस्क्यू कर रहे थे, रेस्क्यू अभियान चला रहे थे। तो अगले कई दिनों तक वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई गई, ट्रकों को पहुंचाया गया, गाड़ियों को पहुंचाया गया, मेडिकल के अधिकारियों को पहुंचाया गया। वहां पर 4 टीमें गई, मेडिकल की फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध करवाएगी। फिलहाल उन्हें बचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई, जैसे भी हो सका वहां पर मदद पहुंचाएगी और उन्हें रेस्क्यू किया गया। C-17 ग्लोब मास्टर से ही तुर्की में आए भयावह भूकंप से ठीक 2 दिन पहले सूडान में फंसे भारतीयों को वहां से निकाला गया था C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से ही। तो ऐसे विशाल मालवाहक और रेस्क्यू हवाई जहाज को, इतने बड़े विमान को दरअसल खरीदा गया था अमेरिका से C-17 मालवाहक विमान को खरीदा गया था। कब? 2013 में यह विमान खरीदा गया था। तब यह विमान 10 की संख्या में खरीदे गए थे। कहां से? अमेरिका से खरीदे गए थे। और जब ये 2013 में 10 विमान और जब ये 2013 में 10 विमान खरीदे गए थे, तब इनकी कीमत जो थी वो $5 अरब थी। $5 अरब डॉलर थी इसकी कीमत जब इन्हें खरीदा गया था। कहां? अमेरिका से। कब खरीदा गया था? 2013 में खरीदा गया था अमेरिका से। इस जहाज को खरीदने का मेन कारण यह था कि इसकी जो क्षमता थी, ले जाने की कैपेसिटी थी, वो 80 टन थी। इतनी 80 टन लोड लेने की क्षमता के साथ साथ ही यहाँ पर इसमें 150 सैनिकों के साथ और इसमें पूरी तरह अस्त्र शस्त्र से लैस होकर यह 80 टन क्षमता के साथ 150 सैनिकों के साथ ही यह उड़ान भर सकता है और पूरे कहीं भी ये जा सकता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस मालवाहक विमान C-17 की जो खूबी है वो यह है कि यह C-17 मालवाहक विमान किसी भी छोटे से छोटे रनवे पर और किसी भी बड़े से बड़े रनवे पर बड़े आसानी से लैंड कर सकता है और वहां से टेक ऑफ कर सकता है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि जो पहाड़ी इलाके रहते हैं वहां पर इतनी जगह नहीं रहती कि हम बड़ा रनवे बनाए, तो उन पर लैंड करने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहां पर कम रनवे रहता है और उसी पर ये लैंड कर सकता है, जो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट, एक प्लस पॉइंट है। और बड़े से बड़े पर तो लैंड ही कर सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर के आने के बाद हमारी मौजूदगी उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा में ज्यादा मौजूदगी हमारी बनी रही क्योंकि इससे हम इजीली सामानों को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, जिसमें हम आर्टिलरियों को पहुंचा सकते थे, वहां पर जितनी गोला बारूद की कमी होती थी उसे पहुंचा सकते थे क्योंकि यह भारी मालवाहक विमान है।
2021 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीयों को वहां से रेस्क्यू किया गया था इसी C-17 ग्लोब मास्टर विमान की मदद से। जो हमारा C-17 विमान है ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज पॉइंट है और जिससे हम किसी भी क्षेत्र में कहीं किसी भी देश को जरूरत पड़ने पर हम उसे मदद पहुंचा सकते हैं। किसी भी सामान को वहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यहां से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम हमारा इसी विमान से चलता रहेगा, चलता है कि यह एक भारी मालवाहक विमान है। यह थी C-17 ग्लोब मास्टर की कहानी कि किस प्रकार भारतीय रेस्क्यू मिशन के लिए संजीवनी साबित हुआ। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।